अपनी मांगों को लेकर केवलारी सरपंच संघ प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरपंच संघ द्वारा केवलारी प्रांगण में पंडाल लगाकर 7 फरवरी से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे सरपंच संघ की कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया। सरपंच संघ केवलारी द्वारा SDM केवलारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सरपंच संघ केवलारी के सदस्यों का कहना है कि वह केवलारी जनपद पंचायत के समीप चल रहे धरने को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हड़ताल जारी है। अब सरपंच गांव-गांव जाकर जनता के बीच अपनी पीड़ा और मांग रखेंगे। सरपंच संघ के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आगामी 24 फरवरी को सरपंच संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले भोपाल में उग्र आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। आपकी जो हड़ताल है कब तक चलेगी और क्या मांगे हैं? सर, हम लोगों ने 2 तारीख को ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, इसके बाद 6 तारीख को ज्ञापन दिया राज्यपाल जी के नाम, इसके बाद हम 7 तारीख से आंदोलन पर बैठ गए और 7 तारीख से आंदोलन पर धरना पर बैठे हुए हमारी निम्न मांगे हैं। जैसे मनरेगा में हमें 11 हफ्ते से भुगतान नहीं हुआ है, मनरेगा में मॉनिटरिंग लगा दी गई है, ये मॉनिटरिंग को हटाया जाए। ग्राम पंचायत के जो ग्राम सभा में जो प्रस्तावित प्रस्ताव हैं उनको मान्य किया जाए, ऐसी हमारी अन्य मांगे हैं। और यदि 10-13 सूत्री मांगे हैं हमारी, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, इस कारण से हमने अभी वर्तमान में धरने को यहाँ से हटा करके प्रदेश स्तर पर 24 तारीख को ले जाने का निर्णय लिया है। और यह आंदोलन हमारे निर्भय सिंह अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन पर 24 तारीख को भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो यहाँ जो धरना प्रदर्शन हड़ताल चल रही है, क्या कल से बंद हो जाएगी? कल से अभी हम यहाँ से मंच तो हटा लेंगे, परंतु हमारी मांग जारी रहेगी और आंदोलन भी जारी रहेगा। कैसे आंदोलन कैसे जारी रहेगा और क्या आगे? हम गांव-गांव जाकर के संघर्ष करेंगे और पब्लिक के सामने जाकर के जनता को बताएंगे कि ये है, ये मांगों के कारण हम आंदोलन में थे और हमारी मांग नहीं हुई, ये हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।